नरेंद्र मोदी की सरकार वहां पर दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, यानी विजारती अकलेती बहबूद, उसमें एक स्कीम है जिसमें प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप उसका नाम है। और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप माने 10th क्लास से पहले बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती थी बरसों से। बल्कि मैं जब 2004 में पहली मरतबा एमपी बना तो मैं उस वक्त मनमोहन सिंह साहब वजीर आजम थे, तो मैं पार्लियामेंट में कई मरतबा खड़े होकर इस बात का मुतालिबा किया करता था कि एक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बनाई जाए और अल्पसंख्यक समाज को उनके बच्चे और बच्चियों की तालीम के लिए स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की जाए। आपको जानकर तकलीफ होगी कि इस साल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो बच्चों को क्लास 1 से 8 तक मिलती थी, गरीब बच्चों को, नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, इसलिए कि राइट टू एजुकेशन में सबको फ्री में स्कूल में पढ़ने का अख्तियार है। आप बताइए कि मैं जिन इलाकों में फिरा हूं पूरे गुजरात में, खास तौर से अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के इलाकों से, वहां पर कोई गवर्नमेंट का स्कूल नहीं है। प्राइवेट स्कूल में हमको अपने बच्चे और बच्चों को भी जाना पड़ता है। तो भारत के प्रधानमंत्री को ये बात पसंद नहीं आई कि अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान गरीबों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाकर पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एडमिशन लेने के बाद वो दिल्ली की मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को एप्लीकेशन देते थे और वो पैसा डायरेक्ट उस स्कूल में जाता था। आज देश के प्रधानमंत्री ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को बंद कर दिया ये कहकर कि राइट टू एजुकेशन में फ्री एजुकेशन है। अरे कहां है मुसलमानों की बस्तियों में स्कूल, बताओ मुझे गुजरात में। देखो आप किस तरीके से स्कूल से, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को स्कूल की तालीम से महरूम कर रही है भाजपा, और देश के प्रधानमंत्री आकर लंबा लंबा छोड़ते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देश के प्रधानमंत्री को हम बताना चाह रहे हैं कि आपकी सरकार ने सिर्फ अपना विकास किया, जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानता उसी में आपका विश्वास है, आपने सबका विनाश किया और अपना विकास कर दिया। देश के प्रधानमंत्री आप बताइए कि गरीब बच्चे जो गवर्नमेंट के स्कूल नहीं है तो माँ बाप में फिक्र होती है कि मैं अपनी बेटी को अपने बच्चे को पढ़ाऊं। अगर गरीब भी होता है, पंचर की दुकान पे काम करता है या लेबर होता है, बोले कम से कम मेरा बेटा बेटी 10वीं जमात तक पढ़ ले, प्राइवेट स्कूल में डालता है स्कॉलरशिप के पैसे, उसको नहीं आते, स्कूल के आते हैं अकाउंट में। देश के प्रधानमंत्री की सरकार ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को बंद कर दिया, और ना सिर्फ अल्पसंख्यक समाज के लिए बल्कि दलितों के बच्चों को भी बंद कर दिया। ये बात दलित भाइयों को भी सोचना पड़ेगा, क्यों भारत के प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि गरीब मुसलमान और दलित के बच्चे 10वीं जमात तक पढ़ ले, 10th क्लास तक, क्यों दुश्मनी निकाल रहे हैं उनसे देश के प्रधानमंत्री? क्यों हमको आप रोकना चाह रहे हैं? हमारे बच्चे, दलितों के बच्चे आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचना चाहते हैं पढ़ लिख कर, मगर देश के प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते कि दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज और उसमें मुसलमान के बच्चे 10th क्लास तक पढ़ सकें। ये इनकी फिरका परस्ती है, ये इनकी छोटी सोच है, ये इनकी नफरत है कि हम अपने बच्चों को स्कूल में ना पढ़ाएं। मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, बरसों से मिल रहे पैसे सिर्फ इस साल बंद कर दिया गया है। आप जाकर पूछिए, उन स्कूलों में पूछिए जो बच्चों ने अप्लाई किए थे, रो रहे माँ बाप फोन करके, मुझसे बात करके बोल रहे हैं कि कैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। ओएसी साहब, ऑटो ड्राइवर है, कह रहा है कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा अपनी बेटी को, मैं ऑटो की कमाई से अपनी बच्ची को प्राइवेट स्कूल में तो नहीं पढ़ा सकता, स्कॉलरशिप के थोड़े पैसे आते थे, मेरी बच्ची के कपड़े बनते थे, हम खाना खिलाते थे, उसके किताबें खरीदते थे उससे। ये भाजपा का असली चेहरा है।